थैंक यू सर। तो आपका परिचय का निदान में हम लोग नाम नहीं बोलेंगे आप, हालांकि मेरे पास नाम है जी सर, बाकी नियम तैयार कर रहे हैं ना, तो नाम जाति धर्म का उल्लेख नहीं करते हुए परिचय दिया है। मैंने अपनी 10th सरस्वती विद्या मंदिर राजगढ़ से की है, उसके बाद मैंने अपना 12th डेवी पब्लिक स्कूल BSAB पटना से किया, एंड देन आफ्टर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम KIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, और उसके बाद मैंने एक साल एज अ मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में वर्क किया, एंड उसके बाद मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और मेरी हॉबी ट्रैवलिंग है। आपकी हॉबी ट्रैवलिंग है सर? ट्रैवलिंग है। यस सर। कहाँ कहाँ ट्रिप किया है आपने? सर मैंने बेसिकली नॉर्थ जो हिली एरियाज है वहाँ पे काफ़ी टूर किया, जैसे कि हिमाचल। कितने कुछ कर लेते हैं सामान्यतः? सर अभी तो मैं प्रिपरेशन के फेज़ में हूँ, तो मैं अनफॉर्चुनेटली टूर नहीं कर रहा हूँ, बट उसके पहले कॉलेज डेज में मैंने हर साल टूर किया है सर। कहाँ कहाँ गए हैं? सर मैं जैसे हिमाचल प्रदेश गया हूँ, वहाँ हिमाचल प्रदेश में सिक्किम गया हूँ, मनाली गया हूँ। हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ? जी सर सिक्किम। हिमाचल प्रदेश में कहाँ गए? सिक्किम तो अलग है। शिमला। आई एम सॉरी सर, शिमला। आई एम सो सॉरी सर, शिमला गया हूँ, मनाली गया हूँ, उसके बाद चार धाम जो वहाँ के उत्तराखंड का यात्रा है वो सब वो किया हूँ, जैसे गंगोत्री, बद्रीनाथ, उत्तराखंड का ऋषिकेश, हरिद्वार, उसके बाद मैं गोवा गया हूँ और कोलकाता, ये सब जो प्लेसेस हैं वहाँ गया हूँ। धार्मिक स्थलों का बहुत टूर किया है आपने ना? हाँ। क्या धार्मिकता के प्रति बहुत आकर्षण है क्या, या आध्यात्मिकता के प्रति आकर्षण है? जी सर धर्म से थोड़ा जुड़ा हूँ ऐसे, क्योंकि धर्म हमारे हिंदू रिवाज में। दोनों में क्या अंतर होता है, धार्मिकता और आध्यात्मिकता में? आपने तो पढ़ाई भी पढ़ी है, पढ़ाई भी की है सरस्वती विद्या मंदिर से। जी सर। सरस्वती विद्या मंदिर तो भारत के एक खास संगठन से जुड़े हुए लोगों का स्कूल है ना? जी सर। है? जो इसका क्लेम ऊंचा है लेकिन विवाद में भी है, वो हमेशा से रहा है। जी सर। है? अभी उसको बढ़त मिली हुई है? कुछ हद तक सर मैं मानूंगा कि थोड़ी बढ़त मिली है, क्योंकि RSS का उसका थोड़ा इन्फ्लुएंस रहता है, जिस वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि लोग वहाँ के, वहाँ का ग्रोथ काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है। मैं खुद के स्कूल की बात करूँ तो अच्छा, RSS के बारे में लोग चर्चा करते हैं कि RSS ने आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया, जबकि RSS का गठन आज़ादी के पहले हो गया था। कब हुआ था गठन इसका? सर मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, बट क्या मैं गेस कर सकता हूँ। हाँ बोलिए। 1925 में हुआ था। हाँ जी। हेडगेवार साहब ने। हाँ। तो उस समय उसका गठन हो गया। जी सर। उसके उद्देश्य तो बड़े लंबे चौड़े हैं, बड़े अच्छे अच्छे हैं। जी सर। शब्द तो उसमें बहुत संस्कृत शब्द सब हैं। तो उद्देश्य जब इतना बड़ा है तो क्यों उस पर यह आरोप लगता है कि आज़ादी की लड़ाई में उसका कोई योगदान नहीं था, ऐसा आरोप आपने सुना है? पॉलिटिकल पार्टीज का ऑफ कोर्स है, इन पॉलिटिकल पार्टीज तो माने एंटिटी है ना? यस सर। उनके कहने को आप ऐसे ही छोड़ तो नहीं सकते ना? जिससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, आरोप लगते रहते हैं RSS पे। तो आप बताइए उसमें कितना सब्सटेंस है, आप उसको सही मान सकते हैं, गलत मान सकते हैं आरोप? सर बहुत सारे इतिहासकारों ने RSS का बहुत बड़ा योगदान को भी उल्लेख किया है, जैसे कि हमारे जैसे मदन मोहन मालवीय साहब हैं, उन लोगों ने भी स्वतंत्र संग्राम में काफ़ी योगदान दिया है। तो कम्प्लीटली ये नहीं माना जा सकता कि RSS बिल्कुल ही कम्प्लीटली नहीं मान सकते, लेकिन छिटपुट है क्या ये? थोड़ी बहुत सर पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से मैं मानता हूँ कि लोग उसे पॉलिटिकल एजेंडा है। जी नहीं सर, पॉलिटिक्स की बात तो आज़ादी के बाद आती है ना। हाँ लेकिन आज़ादी के पहले सर आज़ादी की लड़ाई थी। जी सर, चूँकि RSS का ये सोच था कि सिर्फ हिंदू पक्ष के, वैसे डिवीज़न के टाइम में भी उनका ये था कि बस हिंदू राष्ट्र बने, जिस वजह से महात्मा गांधी
का उस समय बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, और वो चूंकि वो काफ़ी ही निरपेक्ष भाव से दोनों धर्म और बाकी सभी धर्मों के लोगों को एक साथ रह देखना चाहते थे, जिस वजह से आरएसएस का थोड़ा जो ये छवि है वो हो गई। योगदान था लेकिन योगदान रहा है सर, कुछ बहुत हद तक रहा है, रेवोल्यूशनरी एक्ट्स में भी रहा उन लोगों का योगदान, और रेवोल्यूशनरी एक्ट्स को हम कम्प्लीटली डिनाई नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्ट्स क्या रहे उनकी सर, जैसे कि हमारा काकोरी रॉबरी हो गया, काकोरी रॉबरीज हो गए, या फिर चित्तागोंग रॉबरी हो गया, ये सब जो रिवोल्यूशनरी एक्ट है, सर भगत सिंह हमारे, मदन मोहन मालवीय साहब, नागपुर कॉन्स्पिरेसी, नासिक कॉन्स्पिरेसी, इन शो में आया इसकी भूमिका थी सर, किसी सब में नहीं थी सर, बट ऐसे नासिक कॉन्स्पिरेसी उसमें आरएसएस की भूमिका थी सर। काम आपने किया वहाँ क्या था आपका? सर मैं एज अ मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर वर्क करता था, जहाँ पे बेसिकली मशीन्स का ब्रेकडाउन ना हो उसके लिए हम शेड्यूलिंग करते थे, और विथ डे टू डे हमें जैसे उस मशीन्स का ओवरहॉलिंग करना होता था, ग्रीसिंग करना होता था, तो उसका अच्छा, क्या कारण है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इंजीनियरिंग साइड में आजकल नहीं जाना चाहते, क्या कारण है? जनरल ट्रेंड हो गया है, बहुत ऊंचे 2-4% 1-2% को छोड़कर के सर, ठीक है सर, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में बहुत सारे ऊपर सुंदर पिचाई को छोड़ दीजिए तो कोई सामान्य इंजीनियर सुंदर पिचाई नहीं बनना चाहता, वो बनना चाहता है जनता बनेंगे, एसपी बनेंगे और इधर वीडियो बनेंगे, क्यों इंजीनियर डीएसपी बने और वीडियो बने अच्छी बात है क्या? सर एज एन इंजीनियर मैं मानता हूँ कि इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है उससे मेंटल डेवलपमेंट काफ़ी हद तक बहुत अच्छा हो जाता है, हमें डिसीजन डेवलपमेंट किसी भी पढ़ाई से हो जाता है, पढ़ाई का तो उद्देश्य ही है मेंटल डेवलपमेंट जी सर, लेकिन कुछ काम का भी तो आदमी करना चाहिए जी जैसे सर। आपने अगर कप बनाना सीखा तो हम आपकी पोस्टिंग कर रहे हैं बोतल बनाने में, चाहे जॉब आपने ले लिया ये बनाने का, पढ़ाई पर ही बोतल ये प्लेट बनाने की और नौकरी ले ली पंखा बनाने की, तो क्या उपयोग बस स्किल का सर? लेकिन जो हमने बॉटल बनाने में जो स्किल गेन किया है और उससे जितना जल्दी सीखने का प्रयास किया है उससे जो हमारी इफिशेंसी बढ़ी है वो हम दूसरे सर्विसेज में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तब तो कोई कुछ भी परे कोई फर्क नहीं है सर। ये मैं थोड़ा डिफर करूंगा सर इस बात से, डिफर करने के लिए सर मैकेनिकल तो जनरल इन जनरल कंप्लीट सारे कोर्स सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है अभी, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद से ये इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रावधान है कि स्पेसिफिक जो लोग जिस चीज़ में करना चाहते हैं उनको वो चीज़ करने की आज़ादी मिले। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्पेसिफिक स्टडी नहीं सर, स्पेसिफिक होती है जैसे कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की होती है, बट हमारे कॉलेज में वैसी नहीं थी, मैकेनिकल थी, ऑटोमोबाइल्स की होती है, बट हमारे कॉलेजेस में स्पेसिफिक नहीं थी वो। आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि मैकेनिकल को भी और ज़्यादा स्पेसिफिक? जी सर, जैसे कि कोई एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा होने वाला है। जी सर, स्पेशलाइजेशन का उसमें प्रावधान है सर, शुरू में ही हो जाएगा या लास्ट ईयर में? वो बाद में है सर, लास्ट जी सर, जैसे एमबीए के टाइम में भी मेजर्स होते हैं, वो एक स्पेशलाइजेशन हो गया, जैसे कि कोई मार्केटिंग में एमबीए करना चाहता है, कोई फाइनेंस में करना चाहता है, उस प्रकार से मैकेनिकल को भी अगर कम्प्लीटली बाइफोकेट करके साइलोज में डिवाइड कर दिया जाए तो उससे ज़्यादा इफिशेंसी आएगी कोई किसी भी स्टूडेंट में, कोई फ्लूइड मैकेनिक्स में
otherwise engineering courses are as general as other courses. Completely sir, technical तो fourth year में तो आपको electrical लेने को बोला जाता है. जी सर. That is nothing but specialization. हाँ सर वो स्पेशलाइजेशन है बट एक साल में थोड़ा मुश्किल होता है सर. तो आप पढ़ेंगे. हाँ बट सर एक साल में उसको कम्प्लीटली कोप अप करके उसको अपने अंदर इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी मुश्किल होती है सर. वो कोई इशू आता है. अच्छा किसी ने कल परसों कहा है क्या कि हर हर किसान के पास एक ड्रोन होना चाहिए? जी सर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने ये बात उन्होंने कहा. जी सर क्या इस पंक्ति को आप जी सर चूँकि सर ड्रोन जो कि एडवांसमेंट हमारे हर एक फील्ड में देखने को मिल रहा है और हमारे गवर्नमेंट ने इसका इम्प्लीमेंटेशन एग्रीकल्चर के फील्ड में भी करना चाहा है उस वजह से ड्रोन हो गया या फिर डिजिटाइजेशन हो गया इन द सेंस. नहीं नहीं ड्रोन पर आप सीमित रखिए. जिस उस वजह से ड्रोन का इम्प्लीमेंटेशन एग्रीकल्चर फील्ड में करने की प्लानिंग है. जैसे कि क्या मतलब ड्रोन से हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ड्रोन से क्या कर सकते हैं, किसान कैसे फायदा उठा सकते हैं? सर जैसे कि फर्टिलाइजेशन का जो स्प्रेडिंग होता है वो हम ड्रोन से अगर करें तो एक यूनिफॉर्मिटी भी आएगी और जो लेबर है वो लेबर लेबरिंग कॉस्ट उसका घटेगा वो फास्ट स्प्रेड. लेबर इंसेंटिव हमारी किसी नहीं रह जाएगी तब थोड़ी डिजिटाइज मैं से सर डिजिटाइज्ड फार्मिंग बोलूँगा. अच्छा ये जो आपने कहा अभी कि मैन्यूर वगैरह का जो जी सर इतने के बोझ को उठा करके ड्रोन को जा सकता है कितना लग जाएगा इसे एक एकड़ में स्प्रिंकलिंग करना है? एकड़ में स्प्रिंकलिंग करने के लिए एक क्विंटल तो चाहिए, वजन नहीं चाहिए, वजन तो चाहिए 50 किलो चाहिए. 50 किलो उठा के ऊपर स्प्रिंकलिंग कर सकता है सर? तो मल्टीपल ड्रोन्स तो यूज़ कर सकते हैं हम अगर उन्हें मल्टीपल ड्रोन्स करके साइलोस में डिवाइड करके उठा सकता है. सर मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है लेकिन फिर भी मैं गेस करना चाहूँ तो हाँ करिए करिए सर. मुझे लगता है सर 25 केजीस तक तो इजिली उठा सकता है, कर सकता है सर. वो तो मैन्युफैक्चरिंग जो गवर्नमेंट अगर प्लान्स ला रही है तो वो सोच के ही लाएगी कि इतना वेट कैरी करने के लायक ड्रोन के हिसाब से उसका बन. जी सर मैन्युफैक्चरिंग कुछ दंगा वगैरह से संबंधित काम में भी इसकी उपयोगिता हो सकती है क्या? ड्रोन क्या हुई है क्या? जी सर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जैसे कि हमने जम्मू कश्मीर में बॉम्ब ब्लास्टिंग हुआ था एक तो या बॉम्ब ब्लास्टिंग होने से पहले ड्रोन्स को मार दिया गया था रडार टेक्नोलॉजी से तो वो एक देखने को मिला था हमें और बहुत जगह विस्फोट होने की संभावनाएं रहती हैं ड्रोन के थ्रू. ड्रोन के यूज से विस्फोट होने की संभावना मतलब ड्रोन में से ड्रोन के थ्रू बॉम्ब्स को ले जाया जाता है और उसे ड्रॉप कर दिया जाता है. मेरा संदर्भ क्या था? आतंकवादी घटनाएं भी होती हैं इस तरह. तो सर अच्छा खैर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने पढ़ा है तो ये टॉर्शन कैसा फोर्स होता है? टॉर्शन सॉरी सर अभी याद नहीं आ पा रहा. बताइए क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर सर जहाँ पे सर वैसे टेम्परेचर जहाँ पे उसका स्टेट बदलता हो. पढ़ा तो है सर अभी याद नहीं है मुझे. ये रैंकाइन साइकिल बता सर. सर रैंकाइन साइकिल बेसिकली पावर प्लांट्स में यूज होता है उसी के कांस्टेंट प्रेशर साइकिल है सर रैंकाइन साइकिल. कांस्टेंट प्रेशर के मेंटेन करके एनर्जी का प्रोडक्शन होता है. सर टर्बाइन्स पंप्स कंप्रेसर होते हैं उसमें. वो तो मेरे को पता है उसमें कैसे वर्कडन आप कैसे निकालते हैं? वर्कडन सर सेकेंड लॉ
सर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का वो बढ़ता जाता है, इज ग्रेटर देन जीरो किसी भी सिस्टम का। सर यही इसी को अगर सिस्टम मान लिया जाए तो इसकी भी एंट्रोपी इंजीनियरिंग सिस्टम जहाँ पे एंट्रोपी बढ़ती है। सर पावर प्लांट्स बॉयलर्स मतलब सर बॉयलर्स की एंट्रोपी बढ़ती है। सर ज़ीरोथ लॉ बेसिकली ये स्टेट करता है कि अगर कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी से एक टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में है और वही बॉडी तीसरे बॉडी से टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में है तो दूसरी और तीसरी बॉडी एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगी। मेरा नाम मोहन कुमार है, मैंने 66वीं बीपीएससी के एग्जाम में 397वीं रैंक प्राप्त की है और लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर के पद पर चयनित हुआ हूँ। मैं पटना जिला अंतर्गत बीटा का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही स्थित मिडिल स्कूल से हुई है। इसके उपरांत जीजे कॉलेज रामबाग बीटा में कॉलेज है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है। 2015 में बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल के पद पर नियुक्त हुआ था, इससे कारण मुझे पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला। जब मेरी ट्रांसफर पटना में हुई फिर इसके उपरांत मैंने चाणक्य श्रेणी को ज्वाइन किया और 18 से तैयारी करने के बाद यहाँ का जो वीकेंड बैच था जो सर लोग थे उनका गाइडेंस इतना अच्छा था मेरे अंदर पीसीएस एग्जाम के लिए टेस्ट जा गया और इसके कारण तैयारी करने का मैंने लगातार 2 बार मेंस क्लियर किया, 2 बार इंटरव्यू फेस किया है। अलग बात है कि पिछले बार मैं 2 नंबर से चूक गया था, इसको मैंने क्लियर कर लिया है और चाणक्य के साथ रहा तो आगे और अच्छा कुछ प्राप्त। इस क्रेडिट में पूरा योगदान यहाँ जो कृष्णा सर हैं वो देना चाहूँगा, साथ ही सक्सेस हो गए सर के बारे में तो भूलने की जरूरत ही नहीं, उनके बारे में पूरी इकट्ठी जानती हूँ। उसके बाद मैं चाहूँगा कि जो भी नए स्टूडेंट हैं वो घबराएं नहीं, अपना काम करते रहें, कंटिन्यूटी बनाए रखें। वो कभी कभी घबराहट होती है, छोड़ने का मन करता है, थक रहा है, वैसा कुछ नहीं, आप लगे रहें आपको सक्सेस मिलेगी। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, जो भी लोग प्रिपेयर करें। सर बेसिकली 4 stroke 2 stroke टाइप्स ऑफ इंजन्स है, जैसे कि जिसमें हमारी जो साइकिल्स होती है वो डिफर करती है। जैसे 4 stroke में 2 साइकिल होने पे एक हमें पावर स्ट्रोक मिलता है और 2 stroke में सिंगल साइकिल में ही एक पावर स्ट्रोक मिल जाता है। सर बेसिकली फ्लाईव्हील हमारी एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस हम उसे कह सकते हैं, जो कि जब किसी बॉडी को किसी भी सिस्टम को एनर्जी चाहिए होता है तो उस समय वो उसे एनर्जी प्रोवाइड कराती है। जैसे कि इसका हम यूज़ इंजन्स में भी करते हैं, जब इंजन अपने पावर स्ट्रोक वाले, हाँ सर इंजन्स में 4 stroke इंजन में ही अगर हम देखें तो पावर स्ट्रोक के टाइम और दूसरे एग्जाम्पल फ्लाईव्हील सर साइकिल्स में भी फ्लाईव्हील हम बोल सकते हैं। साइकिल में सर एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं, सॉरी सर। जनरेटर्स में बोल सकते हैं सर। हाँ इंडियन सोसाइटी में और वेस्टर्न सोसाइटी में चेंज पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस है? सोशल चेंज वहाँ भी हो रहा है यहाँ भी, सर जैसे कि ये हम देख रहे हैं, हम ये अगर देखा जाए तो जैसे वेस्टर्न जो चेंजेस वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं वो उनके बहुत सारे प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो टुवर्ड्स रिलीजन जा रहे हैं, टुवर्ड्स फेथ या धार्मिकता की ओर जा रहे हैं वेस्ट में। वैसे ही इसमें देखा जाए, वैसे हमारे सोसाइटी में ईस्टर्न सोसाइटीज़ में देखा जाए तो हम वेस्ट के साइड इंक्लिनेशन थोड़ा कर रहे हैं, तो ये रेसिप्रोकल चेंजेस। सर जैसे कि हमारे इस्कॉन टेंपल हो गई, इस्कॉन टेंपल के लोग वहाँ पे बहुत मिल जाएंगे जो हमारे कृष्ण के फॉलोअर्स होते हैं। नहीं सर वहाँ पर एथिज्म बढ़
इट इज मोमेंट ऑफ डेंजर और इंडियन स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियसिटी बढ़ रहा है एग्जैक्टली अपोजिट टू व्हाट यू वांट इट Catholics are becoming increasingly atheist, Protestant also. Okay, sir. Yes. Indian spirituality, religiosity. Bad, yeah. Bad. Yes. Key research. Yes. सबसे ज़्यादा. Pure research की है. Okay. Demographic research करने वाले हैं. बाबा लोग के यहाँ बड़े बड़े रहते हैं. जी सर, इंडिया में तो है. जैसे हम बाबा का चोला पहन सदगुरु हैं सर, हमारे सदगुरु जो हमारे हैं श्री सदगुरु सर, वो उनका भी बहुत इन्फ्लुएंस वेस्टर्न में हुआ है, बट इंडिया में भी इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है साउथ। अगर सिर्फ बाबा लोगों की वजह से होता तो बाबा बहुत पहले बड़े बड़े हुए, लेकिन बाबा लोग कभी इतने पॉपुलर नहीं हुए। जी सर, इट मींस दैट इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल, इट्स अबाउट सोसाइटी। Society in general is more religious. Yes, sir. Hindu, हमारे Indian culture में तो बहुत ज़्यादा religious है सर। हर एक चीज़ को religiosity से linked करके ही देखा जाता है। अच्छा, देवबंद के एक मुल्ला का मैं सुन रहा था, audio video सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि सनातन धर्म तो धर्म है और शेष सब जितने हैं पंथ हैं। पंथ इन सेक्ट, आई सेक्ट सर, पंथ मतलब तो सेक्ट हुआ। सहमत है? डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड सेक्ट्स और धर्म एंड रिलीजन? अगर जानते हैं तभी आप आंसर कर पाएंगे, अन्यथा कोई अटेम्प्ट लेंगे तो बेकार है। तो अगर धर्म और रिलीजन में अंतर जानते हैं तब तो आप बोलिए कि आंसर कर सकते, नहीं जानते तो बेकार जाएगा। एग्जैक्टली भी है सर। और क्या डिफरेंस वेस्ट और इंडिया सोसाइटी में? चेंजेस तो दोनों जगह हो रहे हैं, लेकिन जैसे एक रिलीजन है वैसे और भी कुछ डिफरेंसेस है। ग्लोबलाइजेशन वहीं से आया, इंडिया में आया, बट पैटर्न ऑफ चेंज इज डिफरेंट। आप देख रहे हैं यहाँ पर कास्ट खत्म हो रहे हैं या सर्वाइव कर रहे हैं या रिवाइव कर रहे हैं? सर, कास्ट टू सम एक्सटेंट सर्वाइव कर रहा है, रिवाइवल तो नहीं बोला, सर्वाइव टू सम एक्सटेंट सर्वाइव कर रहा है सर। अच्छा, रिवाइवल नहीं बोला जा सकता इसे, बट चूंकि पॉलिटिक्स में कास्ट का बहुत इन्फ्लुएंस है, जिस वजह से कास्ट सर्वाइव कर रही है आज भी। रिजर्वेशन हो गया, बढ़ नहीं रहा सर। मैं बढ़ना तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि क्लास बेस्ड, हमारे अर्बन कल्चर में क्लास बेस्ड इन्फ्लुएंस देखने को बहुत मिल रहा है। जैसे बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ लोग कास्ट की जगह क्लास देखते हैं, इवन इंटरकास्ट मैरिजेस होते हैं बहुत हद तक। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक्सेप्शनल है वो या रूल है, या उसको क्लास कास्ट कंटिन्यूम कहते हैं। गुर्रे ने कहा क्लास कास्ट कंटिन्यूम। जी सर, क्लास कास्ट कंटिन्यूम। सो इट इज नॉट रिप्लेसमेंट, इट्स कंटिन्यूम। non-religiosity or science consistent hai, the religiosity is consistent with science, non-religiosity is inconsistent. Achha, jaise ki sir ek tribes hopi ek tribe se mujhe exact naam nahi yaad aa raha sir, but hopis tribes hi hai sir, unka bhi dekhne ko milta hai ye ki wo unka jo treatment hota hai वो ट्रीटमेंट लोग रिलीजियोसिटी रिलीजियस ट्रीटमेंट है, बट उसे बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने भी माना है कि उससे ठीक होते हैं लोग। तो जिस वजह से हम वहाँ कंसिस्टेंसी देख सकते हैं साइंस और रिलीजन में। और चूंकि जैसे कि हमारी मास मिशन जो हुआ था, मिशन मास मिशन मॉम मिशन, उसमें भी इसे जो
एस्ट्रोनॉमर्स थे, साइंटिस्ट थे, वो लोग पूजा करके ही मतलब हमारा जो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च हुआ था वो सब कंडक्ट हुआ था। तो हम बोल सकते हैं टू सम एक्सटेंट बहुत सारे लोग रोबोट्स खरीद के ले आ रहे हैं और उसको स्वास्तिक का चिन्ह बना रहे हैं। जी सर, वो भी है, वो भी हमारे इंडियन कल्चर में तो बेसिकली सर बहुत है। कुछ भी साइंटिफिक एक्शन भी हम करते हैं तो रिलीजन को मद्देनजर रखते हुए ही करते हैं। थैंक यू सर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।